Yeah, so in this class, what we are going to take? In this class, we are going to take a beautiful short story of whom? A beautiful short story of? Is it the story of Mulkraj Anand or is it the story of R.K. Narayan? Yeah, it is the story of Mulkraj Anand. And what is the name of the story? The Barber State Union. So in this class, we are going to cover a beautiful short story written by whom? Written by Mulkraj आनंद. मुल्कराज आनंद जो थे वो इंडियन नावलिस्ट है. कैसे नावलिस्ट है? इंडियन नावलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ही वाज बोर्न इन इंडिया बट रोट इन इंग्लिश. भारत में पैदा हुए, पैदाइश उनकी भारत की रही है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उन्होंने किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है. इंडियन बोर्न नावलिस्ट रहे हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, नावलिस्ट भी रहे हैं, और उस समय के भारत की तस्वीर उन्होंने हमारे सामने पेश की है. व्हेन इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. जब इंडिया किसका कॉलोनी था? ब्रिटिश एम्पायर का. मींस इंडिया वाज अ स्लेव नेशन. जब भारत एक गुलाम राष्ट्र था उस समय के भारत की तस्वीर उन्होंने पेश की है. यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड इंडियन कल्चर, यू फाइंड इंडियन इथॉस, यू फाइंड इंडियन सेंसिबिलिटी, यू फाइंड अल्टीमेटली जो कुछ भी उस समय का जो भारत था उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया हुआ है? अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा है या उस सिचुएशन को उन्होंने नैरेट किया है कहानी के माध्यम से, फिक्शन के माध्यम से. ही हैज प्रेजेंटेड द रियल सिचुएशन ऑफ इंडिया, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो पुअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, और सो मेनी प्रॉब्लम्स ही हैज रेज्ड. और एक प्रॉब्लम उन्होंने अपनी एक नॉवेल है, जब आप बीए थर्ड ईयर में जाएंगे तो देयर इज अ नॉवेल अनटचेबल जो कास्ट सिस्टम को लेकर के बात करती है कि कैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम फैला हुआ था, और 1935 में वो नॉवेल पब्लिश हुआ था. तो उस कास्ट सिस्टम पर भी उन्होंने लिखा हुआ है, एक तरह से उन्होंने अटैक किया है या क्रिटिसाइज किया हुआ है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, और वो जो मैन है वो आपके क्या है? आपके मुल्कराज आनंद है. बॉर्न इन इंडिया, रोट इन इंग्लिश, एंड यू विल कम टू नो अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. किसके बारे में उन्होंने लिखा? भारत के बारे में लिखा, भारतवासियों के बारे में लिखा, उनकी कल्चर के बारे में लिखा, उनकी सेंसिबिलिटी के बारे में लिखा, और जो उस समय का समाज था उस समाज के माशरे को उन्होंने क्या किया? हमारे सामने ब्यूटीफुल ढंग से, बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया है. उस माशरे में जो भी प्रॉब्लम रही होगी, कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम रहा हो या किसी तरह का क्लास स्ट्रगल रहा हो, या जो है जो फैमिली एक तरह से जो परिवारों में आपस में लोगों का जो एक आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े या अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना या उनकी जो साइकी होती है, उन सब चीजों को ही हैज प्रेजेंटेड हियर. सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर रहा हूं और मैंने आपके ग्रुप में भी उसको शेयर किया है. यू विल कम टू नो. आई थिंक इट्स विजिबल. या यू विल कम टू नो कि ये जो फाइल है, इस फाइल में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड एफएल वहां से लिया गया. ये स्टोरी जो है वहां के सेकंड सेमेस्टर में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वहां से नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल था. तो द क्रेडिट गोज टू दिस पार्टिकुलर सोर्स, की ये सोर्स उसका रहा है. और सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है कि हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? मुल्कराज आनंद का बार्बर ट्रेड यूनियन. और ये शॉर्ट स्टोरी आपके यहाँ बीए फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट में भी प्रिस्क्राइब्ड है. First, we would like to know about who? First, we would like to know about Mulkraj Anand. Mulkraj Anand born 12th December 1905. उनका जन्म कब हुआ है? 12 दिसंबर 1905 को पैदा हुए हैं. कहाँ पे? पेशावर, इंडिया. पेशावर इंडिया का मतलब मैंने बताया कि उस समय उनका जन्म हुआ था when India was the colony of the British Empire. जब जो पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया था, बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आया था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान को मिला करके एक राष्ट्र था, तो पाकिस्तान के पेशावर शहर में उनका जन्म हुआ था. उस समय जो है क्या था? इंडिया ही सब कुछ था इन पाकिस्तान. और अब पेशावर कहां पर है? नाउ इन पाकिस्तान. या उसके बाद डाइड सितंबर 28, 2004 पुणे. और उनकी मौत कहां कब हुई है? 2004 ईस्वी में 28 सितंबर को कहां पर हुई है? पुणे में हुई है. तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ही वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट की ही डाइड सितंबर 28, 2004. एंड वेयर डिड ही डाई? ही डाइड इन पुणे. पुणे इज सिचुएटेड इन मींस मुंबई महाराष्ट्र इन इंडिया. सो
वी फाइंड दैट कि एक अच्छी खासी उम्र उन्होंने लगभग 99 इयर्स के आसपास उन्होंने जिंदगी गुजारी है। प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल, और कहां के ऑथर रहे? इंडियन ऑथर रहे। कहां से बिलोंग करते? इंडिया से बिलोंग करते। ही वाज बोर्न इंडियन ऑथर। नॉवेल भी उन्होंने लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, क्रिटिकल एसेज भी लिखा। किस भाषा में लिखा? इन इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में लिखा। Who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India? और उनको किसके लिए याद किया जाता है? उनको इसके लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जो गरीब भारत की तस्वीर है, उसकी तस्वीर हमारे सामने पेश की है। पुअर इंडिया को लेकर उन्होंने बात किया हुआ है। जिस समय वो थे, इंडिया वाज़ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड यू विल कम टू नो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर द पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनजस्टिस, इवन द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, यू कैन से कास्ट सिस्टम। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, व्हेन यू टॉक अबाउट मुल्कराज आनंद, या व्हेन यू टॉक अबाउट सच ऑथर, यू हैव टू जस्ट गो कि ही हैज प्रेजेंटेड द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की जो तस्वीर पेश की है वह कौन सी तस्वीर है? रियल पिक्चर। किसमें? अपने नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, अपने क्रिटिकल एसे में, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? एक रियलिस्टिक सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट ऑफ द पुअर इन इंडिया, भारत की जो, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ, उनको एक सहानुभूत और वास्तविक पिक्चर, साथ ही साथ एक पुअर इंडिया का या उस समय का जो कंडीशन था उसको उन्होंने पेश किया हुआ है। He is considered a founder of the English language Indian novel. ऐसा कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी में नावल लिखने की शुरुआत उन्होंने किया हुआ था। ये भी the credit goes to this man to write the first novel, yet the credit goes to this man to start what? To start to write novel in English. The son of Copper Smith, Copper Smith के son थे। आनंद ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन 1924 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उन्होंने ग्रेजुएशन कब किया था? 1924 में, और कहां से? पंजाब यूनिवर्सिटी में। आज हम लोग 2021 की बात करें, लगभग 100 साल के आसपास उन्होंने, 100 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और कहां से किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर एंड परसूड एडिशनल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका क्या था कि उन्होंने बाद में पढ़ाई अपनी कहां से की है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। दिस इज अनदर अचीवमेंट ऑफ आनंद, दिस इज अनदर अचीवमेंट ऑफ आनंद। और उस जमाने में जब जो है लोग ग्रेजुएशन नहीं करते थे, हाई स्कूल नहीं पास होते थे, इंटरमीडिएट नहीं कर पाते थे, उस समय उन्होंने क्या किया? पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और आगे की पढ़ाई कहां से उन्होंने किया है? या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंडन। वाइल इन यूरोप ही बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव। He became politically active in India's struggle for independence and shortly thereafter wrote a series of diverse books on aspects of South Asian culture. और जब उन्होंने क्या किया? He did his graduation, he did his post graduation, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद he participated in Indian National Movement. जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें participate किया, गांधी जी के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, और काफी कुछ उन्होंने काम किया था। सो यू विल कम टू नो कि जो तस्वीर उन्होंने पेश की है वह तस्वीर कौन सी है? पुअर इंडिया की है। इंडिया वाज़ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया वाज़ द स्लेव नेशन, और इंडिया में जो कंडीशन था बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उस कंडीशन में उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। देन यू विल कम टू नो कि उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जिसमें इंडियन का, इंडियन इथॉस, इंडियन कल्चर, इंडियन सेंसिबिलिटी, उन सबको क्या किया? खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने इसके अलावा साउथ एशियन कल्चर को लिखा है, और इंक्लूडिंग पर्सियन पेंटिंग करके उनका अपना वो आया था, करीज एंड अदर इंडियन डिशेस करके उनका किताब है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। ये अक्सर करके पूछा जाता है, हु हैज रिटन द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट हैज बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। द इंडियन थिएटर उन्होंने लिखा, एंड सेवन लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आई 1978 में। दीज आर द वर्क्स ऑफ दिस मैन। सो आपको एक नजर में उनके वर्क्स को भी ध्यान में रखना, उनके वर्क्स क्या क्या हैं? उनके वर्क्स में अगर आप देखेंगे पर्सियन पेंटिंग है, पर्सियन पेंटिंग के अलावा करीज एंड अदर इंडियन डिशेस है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है, द इंडियन थिएटर है, एंड सेवन लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? नॉवेल भी लिखा था। अब जो बात होगी नॉवेल को लेकर के बात होगी।
A prolific writer, Anand first gained wide recognition for his novel Untouchable. Anand ka sabse pehla novel kaun tha? Untouchable. Untouchable kab aaya hua? 1935 mein aaya hua. Aur jo Untouchable hai, wo kisko lekar ke deal karta hai? Caste system ko. Kaun se system ko? Caste system or caste problem. Caste system ya caste problem ko lekar ke deal karta hai. And you will come to know, usme unhone untouchability ko lekar ke baat किया हुआ है। यह उनका पहला नावेल था और यहीं से उनको क्या होता है, यहीं से उनको प्रसिद्धि मिलती है। दूसरा उनका नावेल है कुली, जो 1936 में आता है। बोथ ऑफ विच एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन सोसाइटी। इसमें किस चीज को लेकर के बात की गई है, इंडियन सोसाइटी में क्या गरीबी थी, गुर्बत कैसे थी, पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम था उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड की प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। इन 1945 ही रिटर्न टू बॉम्बे, नाउ मुंबई, टू कैंपेन फॉर नेशनल रिफॉर्म्स। एमंग हिज अदर मेजर वर्क्स आर द विलेज, उनके कुछ और भी वर्क्स हैं जिसका नाम द विलेज है, और एक और नॉवेल है द स्वर्ड एंड द सिकल 1942 में आया है, द बिग हार्ट 1945 में आया है, जो बाद में रिवाइज हुआ था और फिर एडिट हुआ था 1980 में। Anand wrote other novels and short story collection and also edited numerous magazines and journals including Mark. ये भी पूछा जा चुका है, Mark जो Mark है यह एक journal का या magazine का नाम है, तो उन्होंने इस journal या magazine को भी edit किया हुआ। तो remember that कि this is a very important magazine edited by whom? Edited by Mulkraj Anand। अगर आपके यहाँ question आएगा तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि Untouchable किसका वर्क है, Mulkraj Anand का वर्क है, और यह क्या है, नॉवेल है, पहला उनका नावेल है, कब आया हुआ है, 1935 में आया हुआ है। उसके अलावा उनका और भी वर्क है, कब पैदा हुए हैं, कब मरे हैं, उनका डेथ वगैरह, उसको भी लेकर के बात पूछी जा सकती है। लेकिन मार्ग हो गया, अनटचेबल हो गया, इन सबको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेवन वॉल्यूम, उसके बाद उन्होंने बताया कि एन आर्ट क्वार्टरली दैट ही फाउंडेड इन 1946, ही आल्सो intermittently worked on a projected seven volume autobiographical novel entitled Seven Ages of Man. एक नावल पे और उन्होंने काम किया जिसका नाम था Seven Ages of Man and completing four volumes Seven Summers उनका एक नावल है, Morning Face उनका नावल है, Confessional of a Lover उनका नावल है and The Bubble 1984 में। So these are the works of the Mulkraj Anand, but remember that when you talk about Mulkraj Anand, when you talk about his story or when you talk about his works, तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती है। जब भी आप किसी की स्टोरी या किसी का नावल पढ़ेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई को या मेरे लेक्चर को तीन हिस्सों में बटा होना चाहिए। कौन कौन सा हिस्सा होना चाहिए, उस शॉर्ट स्टोरी का या नावल का राइटर कौन है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको उस राइटर के बारे में जानना चाहिए। तो जो राइटर है वो आपका कौन है, Mulkraj Anand है। आपने देखा कि वो कब पैदा हुए हैं और उनकी मौत कब हुई है, 1905 में वो पैदा हुए, 2004 में उनकी मौत हुई है, और उस समय उनकी पैदाइश हुई थी व्हेन इंडिया वाज़ द कॉलोनी या कॉलोनियल कंट्री या इट वाज़ द स्लेव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इस तरह का कॉन्सेप्ट। उन्होंने गरीबी को लेकर के जिक्र किया है, इनजस्टिस को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के, दीज थिंग्स यू फाइंड हियर, इन सारी चीजों का उन्होंने क्या किया है, अपने वर्क में जिक्र किया है। Now you find what? Now you find कि अब जो आपके यहाँ सिलेबस में है, that is the Barbers Trade Union, उसमें क्या होता है, उस चीज को लेकर के वो बात करें, उसकी समरी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। And you will come to know कि एक उसमें समरी क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। At a tender age, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेंडर एज में चंदू इम्बार्क्स अपॉन फुल फ्लेज्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सबसे पहला कैरेक्टर इसमें कौन सा नजर आ रहा है, चंदू। There is a story and the story is what? Ki Barbers Trade Union, and in this story you find what? In this story you find that there is a character Chandu. Chandu naam ka ek character hai. Aur wa jo Chandu naam ka character hai, uske upar jo hai ghar ki zimmedari aati hai. Domestic responsibility. Kaun si zimmedari aati hai? Domestic responsibility. Ghar ki zimmedari uske upar aati hai. Bahut hi tender age mein. Tender age se kya matlab hai? Kam umr mein. बहुत ही कम उम्र में चंदू के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आती है, घर की जिम्मेदारी आती है। एवरी मॉर्निंग चंदू हैज टू मेक errands टू द नोटेबल इन द विलेज फॉर शेविंग एंड हेयर कटिंग। और चंदू का काम क्या है, शेविंग एंड हेयर कटिंग। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर अभी किसी से पूछा जाएगा तो दो जगहों पर आप कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है सेविंग अकाउंट और एक वर्ड है यहाँ पे शेविंग,
वहां पे एस ए वी आई एन जी होता है सेविंग्स अकाउंट, और यहाँ पर जो आपका वो क्या है एस एच ए वी आई एन जी. व्हेन यू से कि मैं शेव करके आया हूँ, ना कि मैं सेव करके आया हूँ, दैट इज द सेविंग अकाउंट. मतलब वहां पे बचत खाता, एंड दिस सेविंग अकाउंट का मतलब कि हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि मैं शेव करके आया हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो स्पेलिंग है एस एच ए वी आई एन जी और एस ए वी आई एन जी, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस यू हैव टू गो. तो हियर यू फाइंड व्हाट, कि जो चंदू का काम है, चंदू का क्या काम है, चंदू को जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट काम करना है, वह क्या है, शेविंग का काम करना है और साथ ही साथ हेयर कटिंग का काम करना है. कहां पर, गांव में. वेर ही हैज टू डू, ही हैज टू डू दिस द वर्क इन द विलेज. ऑल गोज वेल, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, एंड द सेट ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब्ड अनलेस चंदू स्टार्ट्स गोइंग टू द तालुका फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस. करें सब कुछ तो बढ़िया चलता रहता है, लेकिन तब तक बढ़िया चलता रहता है जब तक कि चंदू कहां पे नहीं जाता, तालुका नाम का एक जगह है, कहां पे जाता है, तालुका जाता है, और किसके लिए जाता है, बिजनेस के लिए. फॉर व्हाट ही गोज टू बिजनेस, या ही गोज टू गेट बिजनेस, या ही गोज टू सीक बिजनेस, बिजनेस के सिलसिले में जाता है. ही ऑब्जर्व सर्टेन नॉवेल्टीज देयर, पार्टिकुलरली द रिग आउट ऑफ डॉक्टर कलान खान. कह रहे कि उसको जब वो वहां पे जाता है तालुका में, तो उसको बहुत सारी नई चीजें नजर आती है. और नई चीजें क्या नजर आती है, देर इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर का क्या नाम है, या कलान खान. देर इज अ डॉक्टर कलान खान, अ व्हाइट टर्बन, अ व्हाइट रबर कोट एंड अ लेदर बैग इन हैंड. और वह डॉक्टर क्या करते हैं, एक तो व्हाइट टर्बन बांधे हुए, ये क्या होता है, नैरेट किया जा रहा है आपके सामने, उस डॉक्टर की तस्वीर पेश की जा रही है, और उसने क्या किया हुआ है, व्हाइट टर्बन ही हैज टेकन. और व्हाइट टर्बन के अलावा उन्होंने और क्या किया हुआ है, अ व्हाइट टर्बन एंड व्हाइट रबर कोट एंड अ लेदर बैग. व्हेन यू सी एनी डॉक्टर दिस टाइम, डू यू सी इन सच अ यूनिफॉर्म, इफ यू सी एनी डॉक्टर दिस टाइम, डू यू सी एनी डॉक्टर इन सच अ यूनिफॉर्म, क्या कोई डॉक्टर आज के समय में व्हाइट टर्बन लगाया रहेगा, उसका अपना यूनिफॉर्म क्या होगा, व्हाइट कोट होगा, पैंट होगा, बट यू कांट फाइंड एनी टर्बन. लेकिन उस समय जो होता था या क्या होता था, टर्बन का यूज करना जो है यह एक कॉमन बात थी, जो है कंफर्म हो रहा, जो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर होते थे उस तरह के वे लोग यूज करते थे. एंड नेक्स्ट पॉइंट यू विल कम टू नो, वो कहते हैं कि उसको वहां पे एक डॉक्टर जो देखने को मिलते हैं, और वो डॉक्टर क्या है, व्हाइट टर्बन में, अ व्हाइट रबर कोट एंड अ लेदर बैग इन हैंड. ही इज कंट्रोलेबली फैसिनेटेड टूवर्ड्स द अपैरल. और वह क्या होता है, उनके अपारल का मतलब जो उनका अपीयरेंस है, जो उनका ड्रेस है, जो उनका यूनिफॉर्म है, उससे वह बहुत फैसिनेट हो जाता है. कौन फैसिनेट हो जाता है, नॉट डॉक्टर, या चंदू जो है उस डॉक्टर की वेशभूषा से काफी अट्रैक्ट हो जाता है. देन यू विल कम टू नो कि फादर, और उसके अलावा क्या होता है, ही हैज अट्रैक्शन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन एज ही हैज बिक्वीज सम मेडिकल टिप्स एंड स्नाइपर्स फ्रॉम हिज फादर. और साथ ही साथ उसका जो है कहां पे अट्रैक्शन बढ़ता है, मेडिकल लाइन में. जो डॉक्टर है, जिस तरह से डॉक्टर का वेशभूषा है, जैसे डॉक्टर इलाज करता है, तो चंदू का अट्रैक्शन उस प्रोफेशन में ज्यादा होता है. अभी तक चंदू का प्रोफेशन क्या था, शेविंग एंड हेयर कटिंग, और शेविंग और हेयर कटिंग कहां पर, गांव में. अब उसको शहर का कल्चर नजर आता है, जब वो शहर का कल्चर जाएगा तो थोड़ा सा जब चीजों को देखेगा तो क्या करेगा, शाहरुख खान बनने की कोशिश करेगा जो है. तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है डॉक्टर को देख करके उसके अंदर फैसिनेशन होता है और वह उस मेडिकल प्रोफेशन की ओर अट्रैक्ट होता है. देन यू विल कम टू नो व्हाट हैपेंस, चंदूज न्यू अटायर ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट क्लैमर एंड क्यास इन द विलेज व्हेन ही अप्रोचेस द लैंडलॉर्ड्स हाउस. और जब वो न्यू अटायर में आता है और गांव को वापस आता है, तो गांव के लोगों को हजम नहीं होता कि एक नाई जो बाल काटने वाला है, ये बाल काटने वाला डॉक्टर कैसे हो सकता है. एक प्रॉब्लम होती है ना, अगर जो है कोई आदमी अगर गांव में ऐसा जो स्वीपर का काम करता है और अगले दिन वो आ जाए जो है किसी जो है पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहन करके, कहीं अच्छा दरोगा बन गए हो तुम, जो है कहां से जो है तुम्हें नौकरी मिल गई है, मतलब एक कमेंट जो वगैरह पास होते. तो गांव की जो मेंटेलिटी है वहां पे दिखाया जा रहा है कि गांव के लोग जो है दे आर नॉट रेडी टू यू कैन से बियर द पार्टिकुलर चेंजेस विच दे सी या विच दे फाउंड इन द कैरेक्टर ऑफ चंदू. चंदू के कैरेक्टर में जो बदलाव आ रहा, गांव के लोग उस चीज को तैयार नहीं है कि उसको जो है
बियर कर सके. देन यू फाइंड वर्ड की चंदूस न्यू अटायर ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट क्लाइमर एंड क्यास इन द विलेज. व्हेन ही अप्रोचेस द लैंडलॉर्ड्स हाउस द लैंडलॉर्ड एंड आइडियोलॉग ऑफ डॉगमेटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी हैविंग सीन चंदू इन द न्यू रॉब मॉर्टिफाइज. यू विल कम टू नो की जो एक लैंडलॉर्ड एक सिस्टम होता है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट सिस्टम लैंडलॉर्ड. सामंतवादी व्यवस्था. पहले होते थे बाबू साहब लोग होते थे, सामंतवादी व्यवस्था होती थी कि मैं जमींदार हूं. और जमींदारी में क्या होता था कि जो छोटे तबके के लोग होते थे उनको खाट पे बैठने की इजाजत नहीं होती थी. ऐसे ही चंदू क्या था, गांव का छोटा मोटा आदमी था. जब वह डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आता है और गांव के लैंडलॉर्ड के पास जाता है, जो लैंडलॉर्ड थे जो जमींदार थे, तो जमींदार को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि उसका रोब उसका अटायर उसका अपीयरेंस उसका अपना प्रोफेशन. उनका यह कहना था कि कल तक तो तुम बाल काटते थे, कल तक तो तुम शेविंग करते थे, और आज जो है बहुत बड़े जो है डॉक्टर बनकर के आगे कहां से डिग्री लेकर के आए. तो ये चीज उनको हजम नहीं होता. ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो उस समय की सामंतवादी सोच को, जो समय के पूरे सिस्टम को, जो समय के पूरे अटायर को, पूरे रोब को, पूरे कल्चर को वहां पे क्या कर रहा, वहां पे दिखा रहा है. You will come to know कि और वो जो लैंडलॉर्ड है वो कैसे है, डॉगमेटिज्म है और ऑर्थोडॉक्स है, काफी कट्टर विचारधारा के. Having seen चंदू in the new robe mortifies चंदू in the foulest terms. उन्होंने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, फाउल शब्द. फाउल का मतलब बुरे शब्द, अपमानजनक शब्द जो है चंदू के लिए यूज किया गया. किसके द्वारा यूज किया गया, लैंडलॉर्ड के द्वारा. किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड को ये अच्छा ही नहीं लगा कि कल का मेरे सामने का लड़का जो जैसे नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज दैट इज की फाउलेस्ट टर्म द लैंडलॉर्ड. या द लैंडलॉर्ड रेप्रिमेंड्स कॉलिंग चंदू द सन ऑफ अ पिग. इट्स अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग वर्ड. तुम किसके बच्चे हो, पिग के. दैट इज द वर्ड वो वहां पर उसके लिए यूज कर रहा है. तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वर्ड है ना, कि कल तुम पिग के बच्चे और आज डॉक्टर के बच्चे बन गए हो. तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट जब पास किया जाएगा तो चंदू को क्या होगा, बुरा लगेगा. तो ये एक सोच को दिखा रहा है कि समाज में जो जो है जमींदार टाइप के लोग थे, जो बड़े घराने के लोग थे, जो उच्च जगह पे बैठे हुए लोग थे, वे सारे के सारे लोगों की जो सोच थी मेंटेलिटी अच्छी नहीं थी कि जो हमसे नीचे वाले लोग हैं वो कहीं से प्रोग्रेस कर जाएं. सो यू फाइंड द पार्टिकुलर थिंग. और वह क्या वर्ड यूज करता है, द सन ऑफ अ पिग गेट आउट, गेट आउट. एंड व्हाट डू यू फाइंड हियर, द सन ऑफ अ पिग गेट आउट, गेट आउट. तो इफ यू यूज द वर्ड की गेट आउट एंड बिफोर यूजिंग द वर्ड गेट आउट यू आर एड्रेसिंग हिम द सन ऑफ अ पिग. इज इट अ गुड वर्ड, is it a welcoming word? No, it's a humiliating word, it's the foulest terms, it's the foulest, it's the wrong word. It's what type of word? It's a type of word which ultimately brings what, which brings grief, which brings pain, which breaks someone's heart. कंफर्म हो रहा है. तो यू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो यहां पे दो तरह की सोच है, एक सोच तो लैंडलॉर्ड की है और दूसरा सोच किसकी है, चंदू की है. चंदू बदलते वक्त के साथ जो है वो क्या करना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता अपने माशरे में, अपने अंदर, समाज में. लेकिन लैंडलॉर्ड इज नॉट रेडी टू, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. देन यू विल फाइंड दैट द लैंडलॉर्ड रेप्रिमेंड्स कॉलिंग चंदू द सन ऑफ अ पिग गेट आउट, गेट आउट. यू विल डिफाइल माय रिलीजन. तुम तो मेरे धर्म को क्या करोगे, बर्बाद कर दोगे. मतलब कि अगर उसने डॉक्टरी का पेशा या इस तरह की चीजें कर ली है तो उससे लोगों का क्या हो जा रहा है, धर्म ही भ्रष्ट हो जा रहा है. क्योंकि पहले ये सोच थी कि अगर आप बाहर जाते हैं और समुद्र पार करते हैं तो आप अपवित्र हो जाएंगे, लोगों का ऐसा सोच था. इसी वजह से इंडिया का कोई भी मतलब ट्रेवलिंग नेविगेशन का काम जितना हुआ है यूरोप से हुआ है. कोलंबस आए, कोलंबस ने जो है किसका खोज किया था, अमेरिका का 1492 में. वास्को डी गामा ने इंडिया का खोज किया था, नेविगेशन का काम वहां से हुआ था. अपने यहाँ नेविगेशन का काम बहुत कम हुआ था क्योंकि अपने यहाँ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, तमाम और चीजें, साइंटिफिक अप्रोच नहीं था. वी डोंट हैव साइंटिफिक अप्रोच, वी डोंट हैव आइडियोलॉजी, वी डोंट हैव सच अ पॉजिटिव थिंग एट ऑल. सो व्हाट वी फाइंड, वी सी, वी अल्टीमेटली फाइंड दैट कि ये सब चीजें यहाँ पे होती है. यू विल डिफाइल माई रिलीजन. एंड नेक्स्ट यू विल फाइंड
It is a fact that innocent low caste people like Chandu are always treated. You have to go with the word low caste people. जो जाति में निम्न स्तर के आते हैं, लो कास्ट पीपल, दिस इज द वर्ड। तो चंदू जो था वो क्या था? बार्बर था। बार्बर का मतलब बार्बरिंग का काम करने का मतलब कि लो कास्ट पीपल था। अगर चंदू लो कास्ट पीपल था तो लो कास्ट पीपल को कैसे ट्रीट किया जाता था उस जमाने में, इस पार्टिकुलर चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि लो कास्ट पीपल इन द चंदू आर ऑलवेज ट्रीटेड विद ह्यूमिलिएशन For no fault of theirs. Did Chandu commit any blemish or blunder by wearing a dress like Dr. Kalan Khan? ये question पूछा गया है. Please give me only 2 minutes and be silent. ये question पूछा जा रहा है कि अगर जो है चंदू ने कलान खान के जैसा dress पहन लिया तो क्या उसने कोई गलती की? हर आदमी को doctor बनने का right है. हर आदमी को कोई भी जॉब जो है सीख करने का राइट है। हर आदमी अपने अपने जो है टैलेंट के हिसाब से वो चीजों को क्या कर सकता है, वो चीजों को जो है समझ सकता है, लेकिन जा सकता है, अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में होनी चाहिए। बट हियर यू फाइंड व्हाट कि ये पार्टिकुलर चीज नहीं हजम होती है। द कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑलवेज प्रीफर्स इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। चंदू इज इम्पायर्ड to realize that due to the being of low caste he is not entitled to such felicity and that he is perpetually chandu ko yahan se isliye kar diya jata hai ki chandu jo hai low caste ka tha aur isliye chandu ko wahan pe kya kar diya jata hai, hata diya jata hai, chandu ko aur right nahi diya jata. We will explain it tomorrow also. Kuch bacha hua jo portion hai keval uska summary ka hi, aur aage kya hota hai chandu ke sath kalan khan ka dress pehnne ke baad kya landlord mein koi tabdili aati hai ya kya nahi hota, these things we will come या वी विल गो टुमारो, कल भी हम लोग इसी पर ही बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे।